हर खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब कीजिए द न्यूज़ पर सड़क से संसद तक की खबरों के लिए। प्लास्टिक के संग लोग ले अगर बिक देते हैं यहाँ पर, जो पढ़े लिखे होते हैं वही बिकते हैं, निपड़ कोई नहीं बिकता। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए कुछ दूरी पर वहाँ पर हैं कुछ नाविक जो कि नाव से मछली मार रहे हैं और वहाँ पर किनारे पर जो है ओ माझी रे नदिया की धारा जैसे किनारा ओ माझी रे। दर्शकों अभी हम जो है जो आप तस्वीरें देख रहे हैं अभी हम जो है गंगा जी के बीचों बीच अभी हम मौजूद हैं और एक माझी जो है जैसा कि कल हम आपको वीडियो पोस्ट किए थे आज उन्हीं के हम लोग जो है नाव पर बैठे हुए हैं और बिल्कुल जो है गंगा जी के हम लोग बीचों बीच मौजूद हैं और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए कुछ दूरी पर वहाँ पर हैं कुछ नाविक जो कि नाव से मछली मार रहे हैं और वहाँ पर किनारे पर जो है कुछ 20-30 नाव भी लगी है और आपको कुछ बाद हम तस्वीरें दिखाएंगे। कैमरामैन को चाहेंगे जरा पीछे की भी तस्वीरें दिखाइए, यहाँ पर देखने पर जो रामरेखा घाट है वो कैसे लगता है और कुछ लोग भी सवार हैं इस नाव पर और बहुत ही उमंग के साथ और श्रद्धा के साथ लोग जो है हर एक साल आते हैं। चूँकि इस बार पेंडेमिक है, कोरोना महामारी है और सरकार जो है बार बार ये कह रही है कि इस बार जो है कोरोना का ध्यान में रखते हुए जो छठ पूजा है उसको घर पर ही मनाना है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है ये महाआस्था का पर्व कहा जाता है छठ, जिसकी शुरुआत जो है आज से 2 दिन बाद हो जाएगी और इतनी भीड़ है। चूँकि अभी हालांकि उतना भीड़ नहीं है जैसे जैसे अभी चूँकि लोग जो आ रहे हैं घाट बनाने ही आ रहे हैं और एक माझी जी से जब हमने रिक्वेस्ट किया तो माझी जी हमको जो है एक गंगा नदी जी घुमा रहे हैं, उनको भी मैं धन्यवाद करूंगा क्योंकि वही आज हमको पार करा रहे हैं, हो सकता है इसमें हमको डूबे भी दें, सब कुछ उनके हाथ में है। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर यदि आस्था कहिए विश्वास कहिए अंधविश्वास कहिए, ये जो गंगा मैया हैं इनमें सब में विश्वास है और बहुत सारे यहाँ पर जो लोग हैं यहाँ पर कुछ छोड़ने आए थे। क्या छोड़ने आए थे जी आप लोग? हम लोग शादी का कार्ड छोड़ने आए थे। शादी का कार्ड छोड़ने आए थे जी, शादी का पहले गंगा जी का कार्ड दिया था, उसके बाद ही कोई धार्मिक कार्य होता है शुभ कार्य होता है। कहाँ गंगा जी को दिया जाता है? गंगा जी को पवित्र होने के लिए दिया जाता है, गंगा जी की जो शक्ति है उससे यानी कि फल प्राप्ति होता है और आगे का कार्य भी शुभ होता है। गंगा जी से अब कोई मतलब बड़ी देवी नहीं है यहाँ। नाम क्या है आपका? नाम मेरा उज्जवल गुप्ता पड़ेगा, घर नया भोजपुर पड़ेगा जी। जैसा कि हमने कहा कि आप इसे अंधविश्वास कहिए या आस्था कहिए और ये लोग जो है नाव पर चढ़े और जिल चूँकि बोल रहे हैं कि हमने जो है कार्ड समर्पित करने गंगा जी को आए थे, तो फिलहाल आप हमारे जो पीछे तस्वीरें देख रहे हैं वो रामरेखा घाट की तस्वीरें हैं और ये रामरेखा घाट बक्सर का एक जो है माना जाना चर्चित घाट बोला जाता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग जो है श्रद्धापूर्वक आकर यहाँ पर स्नान कर रहे हैं और जो जिसका घाट बनाना है वो घाट बना रहा है और फिलहाल आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग की अभी तक ले गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है और कचरा का कहें तो कचरा का अंबार लगा है और जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं और सरकार सोई हुई है ऐसी मालूम पड़ती है। नियम और कानून केवल जो है आम नागरिकों के लिए है, जो MLA MP और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके लिए कुछ नहीं है, ये तस्वीरें देखकर मालूम पड़ती है। बाकी जब हम रामरेखा घाट पर कोरोना की बात छेड़े कि कोरोना में छठ नहीं करना है तो एक महिला आप देख रहे हैं सफाई कर रही हैं इस घाट की, वो महिला भड़क पड़ी और कह रही हैं क्या कुछ कह रही हैं कोरोना के बारे में, इसे जानते हैं जी। माता जी नाम बताइए पहले। हमको रजनी नाम है। रजनी नाम जी, हाँ क्या कहते हैं रुआ? क्या कह मैंने कहते हैं कि छठ के पहले कोरोना ना रहे, वोट पड़त रहे तो कोरोना रहे, कोरोना हो गई बा। तो क्या कहते हैं सरकार के? सरकार का कब जो जैसे छठ होता है ऐसे हो ही। हम लोग सर सर काम करिए ले, हम लोग छठ के पहले से सफाइया कर रहे हैं घर पर, अभी भी ब्यौरा है कि कोई काम ही नहीं कर रहा है। देखिए सब कोई लेबर लगी है कि नहीं? इसका पैसा कौन देता है आप लोग का? ऑफिस में मिलता है, हम लोग ठेकेदार लोग देते हैं। कितना मिलता है? हम लोग कहाँ मिल रहा है, 8,000 तो रुपया मिलता है, क्या मिलता है पर मंथ? पर मंथ तो कितने महीने से आप लोग का पैसा रुका हुआ है? पैसा भी रुका नहीं है, पैसा आप लोग का महीने महीने मिल जा रहा है। ये है कि मेरा पति मर गया अभी तक नौकरी नहीं मिला है मेरा,
सात साल हो गए, हाँ इसी में कर रहे थे और नौकरी में मरा है, अभी तक पैसा नहीं मिल रहा है हम लोग, नौकरी नहीं मिला है। तो आप लोग सरकारी नहीं? नहीं, हम लोग प्राइवेट खट रहे, हम लोग खटा रहे हैं, मेरा आदमी भी मरा, कागज पत्र सब दे दिए, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है मेरा बेटा का। कोई लोग इसमें और भी हैं जिसमें जो कि सरकारी हों? हाँ हो गए, मेरा अथी जमदार है, ठेकेदार है, सब तो है ही है ऊपर में। आपका समय से पैसा मिल जाता है ना? हाँ समय से पैसा मिल जाता है, पैसा का हम लोग का शिकायत नहीं है, पैसा मिल जाता है, समय से मिल जाता है जी। सरकार से क्या शिकायत है? हम लोग कुछ शिकायत नहीं है, यही शिकायत है कि मेरा आदमी मर गया, अभी तक नौकरी नहीं मिला है हमको। बाकी कोरोना वोना पर कुछ कह रही थी ना? छोड़िए, अब कोरोना तो जब सब कोई कर ही रहा है, कोरोना होगा चाहे पहले जो अथी हुआ है वोट पड़ा है तो कोरोना नहीं था, अब आदमी हल्ला करे कोरोना है, कोरोना है। आप बताइए छठ होना चाहिए नहीं होना? हाँ। चाहिए अब सरकार को ये कि नहीं करना है? तो नहीं करना है तो हम लोग नहीं करेंगे, क्या करेंगे, जिसका मन है मानती तो करवे करेगा ना। तो जी बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल आप देख सकते हैं कि ये छठ पूजा मात्र जो है आज से 3 दिन बाद होगा, लेकिन आप देख सकते हैं ये कहीं भी जो है, कैमरामैन को चाहेंगे जरा बढ़िया से तस्वीरें दिखा दीजिए, कहीं भी जो यहाँ पर बैरिकेटिंग जो है नहीं लगाया गया है। फिलहाल ये जो है नाव पर बैठे एक व्यक्ति, कैमरामैन को चाहेंगे कि धीरे धीरे आप आ जाइए, ये भी कुछ कहना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं? डूबेगा नहीं? डूबने वाला तो नहीं, डूबेगी नहीं, ये तो पनडुब्बी जहाज है। पनडुब्बी जहाज है, कहीं नहीं डूबेगी? डूबेगी नहीं ना, डूबने खातिर नहीं बनाया गया है। अच्छा, सरकार की तरफ से क्या प्रावधान किया गया? सरकार जी, सरकार के तरफ से जो बांस हर साल गड़ा जाता है रेडी वाला, वो गड़ रहा है। कैमरामैन को चाहेंगे कि जरा तस्वीर दूर तक दिखा दीजिए, यहाँ पर कोई गड़ा ही नहीं है और मात्र 3 दिन है। अब बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर तीर्थ जो है, तीर्थयात्री यहाँ पर आए हुए हैं, बाकी कहीं भी बैरिकेटिंग कहाँ से बता रहे हैं? मसान घाट में बहे, अभी आज नाव गई है 3 नाव पुल के जरिए गाड़ने के लिए। प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था किया गया? वही ठेका दिए बांध गाड़ने की, और कुछ ठेका नहीं। सब आदमी जब डूब जाता है तो उसको बचाने के लिए कुछ साधन नहीं है? कुछ साधन नहीं, तो आदमी जब डूबेगा तो कैसे फिर बचाया जाएगा? किसे कैसे, कोई रहेगा तो मलाह रहेगा तो पड़ बचाएगा, बांस उस भी कर, नहीं रहेगा तो गया। आप नाव चलाते हैं? नाव चला, खर्चा पानी निकल जाता है? हाँ निकल जाता है, आज देखो पैसा कमाई नहीं। ये तो सरकारी है कि सब प्राइवेट? प्राइवेट है, नहीं निकलता। क्या नाम है? परशुराम नाम। बाकी परशुराम जी हैं, और परशुराम जी से जब हमने बात करी कि यहाँ पे तो पूरा जो है कचड़ा बिछाते हो, कह रहे हैं कि यहाँ का आदमी कचड़ा कहे, आदमी कचड़ा कौन है? ऐसे कचड़ा बोल रहे हैं, घर से जितना होगा बात किए हैं, लिया अगर प्लास्टिक के संग लोग लिया अगर बिक देते हैं यहाँ पर, जो पढ़े लिखे होते हैं वही बिकते हैं, नहीं पढ़ कोई नहीं बिकता। पढ़े लिखे कह रहे हैं? हाँ पढ़े लिखे वो बिकता है, गंदा करता है, अनपढ़ नहीं बिकता है? अनपढ़ नहीं बिकता, वो तो खाली समझा दिया गया, वो आता नहीं यहाँ पर। आपको गंगा जी में विश्वास रखते हैं? लोग विश्वास करते हैं तभी नहीं हम जीते हैं। ये सब कचरा के दिन सब शिक्षित व्यक्ति हैं? हाँ हाँ, अभी तक सरकार की तरफ से सफाई पाई नहीं? कुछ नहीं। क्या कहेगा सरकार? क्या कहेगा, निकम्मी सरकार है, तो इसे नीति जी सत्ता में खुश है कि नाराज? सब नाराज है, मैं खुश कौन, खुश नहीं है। एक तरफ कहते हैं छठ होगा, एक तरफ कहते हैं नहीं। तो प्रशासन कहती है कि छठ नहीं होगा? एक प्रशासन जो है काम करा रही है, प्रशासन खुद कर रही है। फिलहाल दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे थे कि यहाँ पर जो है बिल्कुल पूरी तरीके से जो जनप्रतिनिधि है और जो प्रशासन के लोग कहेंगे उनकी तरफ से यहाँ पर बिल्कुल जो अतिक्रमण कर लिया गया है। बाकी आप देख सकते हैं नॉर्मल व्यक्ति के लिए छोटे मोटे घाट है, और आप देख सकते हैं कचरा का यहाँ पर ससुराम बार लगा है। धन्यवाद।